वो बीमार रहती थी लॉर्ड से। ऐसा कहाँ लिखा है कि वो बीमार रहती थी? तो बीमारी का उसमें वो आपने पूछा होगा ना क्रॉस में, बताइए तो कि आपकी बेटी बीमार रहती थी, बताइए तो प्रति परीक्षण में। हाँ पूछा है कि आपकी बेटी बीमार रहती थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, नहीं वो बीमारी तो फिर ऐसे तो हाई कोर्ट में आके सारा ज्ञान कैसे आ जाता है? जो पहले फर्स्ट बिल लगाए थे ने, तो हमें मतलब नहीं है, हम तो एविडेंस की बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर सेकंड बिल एप्लीकेशन लॉट से लिबर्टी थी फर्स्ट बिल में आफ्टर स्टेटमेंट फादर का स्टेटमेंट लॉट हो गए फादर की स्टेट जी लॉट क्या कहा उन्होंने? तो ये स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा लॉट से, तो ये सर जर्नल लॉट से रीड कर देता हूँ। मेरी पुत्री अनीता पेज नंबर लॉट से 12 है एनेक्सर A3। मेरी पुत्री अनीता उर्फ मधु जी मेरी पुत्री अनीता उर्फ मधु तथा मेरी पत्नी कुसुम के बीच मोबाइल पर क्या बातचीत हुई मुझे मालूम नहीं। दिनांक 4/2/22 को दोपहर 1 बजे के लगभग दामाद सुखेंद्र गुप्ता का फोन आया मेरे मोबाइल पर आया था। मोबाइल पर मुझे दामाद सुखेंद्र गुप्ता ने बताया था कि आपकी लड़की अनीता उर्फ मधु फांसी लगाकर खत्म हो गई है और मैं मेरे परिवार के सभी लोग गाड़ी से शहडोल आए थे। मैं अपनी लड़की की इस ससुराल परिवार सहित पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी लड़की अनीता उर्फ मधु ने पंखे पर साड़ी से फाल में फांसी लगाकर लटकी थी। मेरी लड़की का एक पैर घुटना पलंग पर टिका था और एक पैर लटका हुआ था। मेरी पत्नी के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। मेरी लड़की ने फांसी क्यों लगाई मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने मुझे पूछताछ की थी और मेरा कथन लिया था लट से। वो बीमार रहती थी लॉर्ड से। ऐसा कहाँ लिखा है कि वो बीमार रहती थी? तो बीमारी का उसमें आपने पूछा होगा ना क्रॉस में, बताइए तो कि आपकी बेटी बीमार रहती थी, बताइए तो प्रति परीक्षण में। हाँ पूछा है कि आपकी बेटी बीमार रहती थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, नहीं वो बीमारी तो फिर ऐसे तो हाई कोर्ट में आके सारा ज्ञान कैसे आ जाता है? जो पहले फर्स्ट बिल लगाए थे तो हमें मतलब नहीं है, हम तो एविडेंस की बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर फादर ऑफ द गर्ल has been cross examined जी लॉर्ड। You have tried your level best. पहले उसने सपोर्ट नहीं किया, फिर जब उसको पूछा, उससे क्वेश्चंस पूछे तो उसने जो है पूरी बात सही से ही बता दी। अब उसके बाद आपने कहा कि आपकी बेटी बीमार रहती थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। नहीं बीमारी का तो रीजन तो फिर दैट इज नॉट अ ग्राउंड, अभी और एग्जामिन हो जाने दीजिए। लॉर्ड मदर का भी है, मदर ने भी सपोर्ट किया है जी। लड़की ने बताया आप लोगों ने सुखेंद्र को भाई सुनील की शादी में सोने की चेन नहीं दी, इस कारण वह नाराज है। मैंने बोला लड़की से सोने की चेन आगे पीछे दे देंगे। कोई मारपीट नहीं करते थे? अरे मारपीट क्या नहीं करते थे, दहेज हैरेसमेंट का कुछ भी नहीं। अरे दहेज मांगना अपने आप में हैरेसमेंट है, आप पति है। 7 महीने हो गए लड़के, क्या कर सकते हैं, ट्रायल एक्सपीडाइट करने के लिए बोल देते हैं। श्री 2 साल की बच्ची है लॉर्ड से, बच्ची किसके पास है, नानी के पास होगी? नहीं इनके पास, इनके माँ बाप देखेंगे और क्या कर सकते हैं। ये दुकान पे था जब सुसाइड किया लॉर्ड से, ये दुकान पे था, घर पे नहीं था। ठीक है ठीक है, कह रहे सुसाइड क्यों किया, क्योंकि आप दहेज के लिए परेशान करते थे। दहेज के दोनों की एविडेंस आ रही है, दोनों की एविडेंस में कहीं आपके लिए कुछ होता? इसे फादर ने कहीं दहेज के बारे में नहीं बताया कि दहेज के लिए, सोने की चेन के बारे में उसने कहा? फादर ने बता रहे हैं हम आपको, ये लीजिए पढ़िए, आप लोग बयान में पूरा नहीं पढ़ना चाहते, पेज 13 पर पढ़िए। यह कहना सही है कि मुझे पहली पत्नी ने बताया था कि आरोपी सुखेंद्र मेरी पुत्री अनीता और मधु से सोने की चेन की मांग कर रहा था। यह कहना सही है कि मेरी पत्नी अनीता और मधु ने बताया था कि सुखेंद्र को सोने की चेन चाहिए, शादी में सोने की चेन नहीं मिली थी। ये कहना सही है कि शादी के बाद ऑटो चलाने वाला आदमी है वो, ऊपर कह रहा है कि मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो का कोई आया है यहाँ, मैंने पढ़ा है इसकी इसकी रिपेयरिंग की दुकान थी लॉट से, सुखेंद्र गुप्ता की रिपेयरिंग की दुकान थी। सुखेंद्र गुप्ता की बात नहीं कर रहा, सत्यदेव गुप्ता की बात कर रहा हूँ जी जी। इन्होंने कहीं कहा है कि मैं ऑटो चलाता हूँ? चूंकि अब सुसाइड कर ली तो एलिगेशन जर्नल एलिगेशन सोने की चैन मांग रहे थे, और न कोई पैसा की डिमांड, न कोई मोटरसाइकिल की डिमांड लॉट से, ये सिर्फ सुसाइड करने के बाद एक जर्नल एलिगेशन लगा दिया कि सोने की चैन देना था वो हमने नहीं दिया।
छोटी बच्ची हिला से 2 साल की, 7 महीने कस्टडी होगी। 7 महीने कुछ नहीं होता वकील साहब, अभी कोई चोट भी नहीं खरों जी। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यस मालो डेलीगेशन तो मतलब चीफ में तो बोला है मालो, उसमें चीफ में ही बोला है, कहीं इसमें ही बोला है, कुसुम गुप्ता ने ही बोला है मालो कि इसमें डिमांड सोने की चेन की बात है, लेकिन इशू इज दैट देयर इज सिंगुलर एलिगेशन, नथिंग एल्स। लिखिएगा श्री उस प्रास कुछ प्रास से सेकंड बेल एप्लीकेशन सब लिख लीजिएगा क्या भाई, केस टाइम नंबर वगैरह ये टाइप का submitted that parents of the deceased have been examined. There was no injury on the body of the deceased. Full stop. They submitted that there is omnibus allegation of demand of a gold chain during the marriage ceremony of the brother of the deceased, namely Sunil. There are no other allegations of demand of dowry. Allegation is omnibus and general. Applicant is already in custody for 7 months. He has a 2-year-old daughter to be looked after. 50,000 to surety.